अब मैं अयोध्यापुरी पहुंच चुका हूं। प्रथमा गेट पे आवाज लगाऊं कोई दरबार में है या नहीं। ए भाई कोई दरबार में है? आ रहा हूं आ रहा। कल्याण हो, जाओ महाराजा दशरथ से कहो कि प्रथमा गेट पे महामुनि विश्वामित्र पधारे हुए हैं। जैसी आज्ञा मुनि। जाओ महाराज, प्रथम गेट पर मुनिवर विश्वामित्र आए हुए हैं और कृपया वो आपको वहां अगवानी के लिए बुला रहे हैं। मैं उनकी अगवानी के लिए स्वयं चाहता हूं। कहते हैं कि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि नियुक्त समान। स्मरण हो आसन ग्रहण कीजिए। कहिए मुनिश्रेष्ठ, आने का विशेष प्रयोजन विशेष कार्य बुलावा भेज दिए होते मैं आ जाता। राजन यह बताओ तुम्हारे राज्य में सब कुशल तो है? हाँ, सब आपकी छत्र छाया में है, सब कुशल है। आने का प्रयोजन बताएं। राजा मैं जिस कार्य से आया हूं वह कार्य मेरा पूर्ण करोगे? अवश्य, यदि मेरे प्राण देकर भी उस कार्य को पूर्ण होते हैं तो अपने प्राण देने के लिए पर हूं। तो राजा सुनिए, मैं किस कार्य से आया हूं प्रकट करें। यज्ञ जिस समय मैं करता हूं दुख मुझको निश्चर देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड नष्ट भ्रष्ट सब कर देते हैं। यज्ञ मैं उनसे युक्त करूं तो यज्ञ कार्य सब खंडित है, धन वाले फिर मैं ना लड़ू यह प्रण भी मेरा स्थित है। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूं मैं, रक्षा सहायता दो चीजें तुझसे लेने आया हूं मैं। अपने पुत्र राम लखन को सौंप दे मुझे कुछ दिवसों को, हो ये पूर्ण श्रेय से हर्ष हूं दोनों को। राजन मैं तुम्हारे पुत्र राम और लक्ष्मण को लेने आया हूं। अब तो भली भांति जानते हैं कि मेरे चारों पुत्र चौथे पन में प्राप्त हुए हैं। हाँ। धन धान्य ले, सोना चांदी ले, राज्य साम्राज्य ले, आप आज्ञा दे तो मैं आपके यज्ञशाला के चारों तरफ यह दशरथ धनवा लेकर तत्पर रहेगा, लेकिन राम और लक्ष्मण को मत मांगे। हे मुनिवर दोनों बालक भोले भाले नादान गिरे, रण विद्या नहीं जानते हैं लड़ने में अभी शिकार भी रह गवारा है, जब घर का वही चांदनी है
को मत दशरथ, तुम जैसे ज्ञानी को बच्चों को इतना ममता है, जा चुकी जवानी फिर भी माया में पड़ता है। उपकार संत के करने में इतना विलंब, इतना उन दोनों को देने में इतनी बात, इतनी उठा। अगर मैं कहता विष्णु से छोड़ चल देते करूंगा, शंकर से मैं विनती करता तो हिल जाता हूं काया सा। मांगा जो तुमसे भी था ए मुझे संताप हुआ, मांगा जो तुमसे भी था हे मुझसे संताप हुआ, दोनों बच्चों को देने में हे मुझसे। दशरथ दशरथ तुम्हारे पूर्वजों ने महाराजा शिविर एक कबूतर के लिए अपने शरीर का फोटी फोटी कटवा डाला। तुम्हारे पूर्वजों ने राजा हरिश्चंद अपने पत्नी अपने पुत्र को बेच दिया, और तुम हो अपने पूर्वजों पे कलंक लगा रहे हो। नहीं मुनि श्रेष्ठ, ठीक है राजन, ठीक है राजन, मैं जैसे आया था वैसे ही मैं चला जाऊंगा। शांति। राजा कहिए भैया जी, जब मुनवर की यही कहना है तो आप लक्ष्मण को दे दीजिए। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि आप कहते हैं तो अब नहीं सोच संताप, दोनों पुत्रों के हुए शन रक्षक मुनि आप आसन ग्रहण करें। अरे सुमंत, पुत्र राम और लक्ष्मण को पिताजी के चरणों में पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार। पिताजी के चरणों में पुत्र लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार। गुरुदेव जी के चरणों में शिष्य लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार। गुरुदेव के चरणों में शिष्य राम का प्रणाम स्वीकार। पिताश्री, आखिर बातें क्या है, किसलिए हमें दोनों भ्रात को यहाँ बुलाए हैं? हे पुत्र राम, यह बक्सर निवासी गांधी का ऋषि चुपमिट्टी है, अपने यज्ञ को पूर्ण करने के हेतु कुछ समय के लिए तुम दोनों को लेने आए हैं। मैं इसी बात से घबराता हूँ कि तुम दोनों छोटे छोटे इनके यज्ञ को किस तरह से पूर्ण करोगे। आपके आशीर्वाद से संपूर्ण कार्य पूर्ण होगा। धन्य हो पुत्र राम, आइए मुनि श्रेष्ठ। योग्यता धर्म कर्म और प्रेम, गुरु के जगने से पहले जग जाना, सोने के तत्पश्चात ही सोना, आश्रम की सफाई पूजा के हेतु पुष्प, यही गुरु की सेवा होती है। पिताश्री,
पिताजी के चरणों में पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार है। हाँ आगे के लिए प्रदान के लिए ठीक है। आओ, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? पिताजी ने आज्ञा दे दी, लेकिन कम से कम मैं अपनी माता से आज्ञा लेना चाहता हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो जाओ अपने माता से भी आज्ञा ले लो। कुछ देर आप विश्राम कीजिए, हम माता से आज्ञा लेकर अति शीघ्र ही लौट आएंगे। जा सकते हो। सकते हैं कम से कम माता से ही आज्ञा ले लें। बेटा राम, ये क्या कर रहे हो? हाँ माता, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहो मेरे लाल। सुनिए माता, हम दोनों भाई राम लखड़े गुरु सेवा जल्दी मुझको